पृथ्वी शाह और सपना गिल का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, कल से मैंने ही देखा, मतलब कल पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे चर्चा थी कि भैया, मतलब चर्चा नहीं, मतलब वीडियोस मैंने पूरी देखी है, हालांकि वीडियो का एडिटेड है, ज्यादा पूरी वीडियोस लॉन्ग नहीं दिखाई गई है। हमने देखा कि भैया जो मतलब जो उनसे बेस बॉल छड़ाते हैं उस लड़के से जिसका नाम सपना गिल, तो फिर उसके बाद अचानक से अलग से टेक दिखाया जाता है कि मतलब वो गाड़ी के पास फोन में कॉल में लगे हुए हैं। तो ये पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो नहीं थी, ये उतनी वीडियो डाली गई है जितने में हमको गलत दिखे, कौन, हमारे इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शाह, ठीक है। तो ये बहुत ही साजिश के तहत उनके साथ ऐसा घिनौना काम किया गया है, अपनी एक क्या कहते हैं, बहुत ही चीप हरकत है, अपनी पब्लिकली स्टंट, अपनी फैन फॉलोइंग्स अपने आप को चर्चा में लाने के लिए। ये जो क्या कहते हैं इनका नाम क्या, सपना की, मैंने इनके इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने सर्च किया वगैरह, तो भाई ये इनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और वो भी साथ साले मरे हुए फॉलोवर्स हैं, मरे हुए कह लो ये, चाहे खरीदे परचेज, आजकल तो इंस्टाग्राम परचेज चलते हैं ना, क्या कहते हैं फॉलोवर्स, तो वही हैं, क्योंकि भाई इनकी मैंने पोस्ट देखे थे 700-800 लाइक्स रहती थी, तो 2 लाख फॉलोवर्स वाले तुम साले 700-800 लाइक्स लिए बैठते हो, तो तुम मतलब तुम्हारे फॉलोवर्स भी फेक है। और इसके अलावा वीडियो में इसका दोस्त कह रहा था कि इसने और इसके दोस्तों ने हमें मारा है, मतलब पृथ्वी शाह और पृथ्वी शाह के दोस्तों ने हमें मारा है। तो भैया मेरे को समझ में नहीं आता, मारा है तो होटल में ही गुंडागर्दी करते ना भाई। जब वो पृथ्वी शाह, देखिए मैं पृथ्वी शाह का मैटर बताऊँ, पहले आपको एक बात बता दूँ, पृथ्वी शाह ने पुलिस से बयान, पुलिस को बयान देते हुए साफ साफ कहा है कि भैया मेरे से कुछ लोग फैंस जो सेल्फी ले रहे थे उन लोगों ने ड्रग्स किया होता, ठीक है, तो मैंने फिर भी उनको सेल्फी दे दी थी, फिर हट गए थे, फिर उसके बाद ये लोग सेल्फी लेने आए, तो मैंने कहा कि मैंने इनको भी शायद सेल्फी दे दी, ऐसा उन्होंने कहा है जी, उन्होंने सेल्फी दे दी थी और होटल के अंदर चले गए थे, हाँ, ऐसा तो कुछ था। उसके बाद चले गए थे, और जब होटल से बाहर निकले हैं पृथ्वी शाह अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्त अपने घर निकल लिए या अपने साथ, तो होटल की थोड़ी सी दूरी में ये जो सपना गिल है, ये बेस बॉल लाती है, हॉकी वाला जो बैट होता है, और उसके सीधे कार में हिट कर देती है, मतलब अटैक कर देती है, तो वो थोड़ा सा चकबकी आ जाते भाई हो क्या रहा है, फिर उसके बाद एक और मारती है, तो उसकी गाड़ी भी डैमेज होती है अपने पृथ्वी शाह जी की, ठीक है। तो आते हैं कि वो मजबूरन उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं कि भैया मोरे न, मतलब हमारे ही न पेल दे, हमारे ही न बचा दे, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए सेल्फ डिफेंस है, ये तो हम भी करेंगे ना भाई, हाँ है, अगर हमारे ऊपर कोई वार करेगा तो हम थोड़ी सहेंगे, हम भी पकड़ेंगे, हम भी उसको देंगे घुमा के। हालांकि पृथ्वी शाह को मारा नहीं है उस लड़की को, लेकिन हाथ से छुड़ाया है, और इसी वीडियो क्लिप को एडिट करके पार्ट को डाला गया है ताकि लोगों को पृथ्वी शाह गलत लगे। तो क्या लग रहा है, मतलब सपना गिल टीआरपी के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं क्या? देखिए सपना गिल बस नहीं, सपना गिल जैसी और भी पहले भी ऐसी चीप क्या कहते हैं, बहुत ही अलग किस्म की, गंदी किस्म की लड़कियां आई हैं जो कि अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं, तो सपना गिल भी उन्हीं में से एक है। मेरे को सपना गिल जो है, अभी तक तो मैं सपना गिल को जानता भी नहीं था, लेकिन पृथ्वी शाह की वजह से उनको अब लाखों करोड़ों लोग जानने लगेंगे, हालांकि भले चाहे हेट देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो देखेगा सॉरी बोल देंगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सपना के ऊपर जो लड़की के लिए जो एक्ट बना, जो कानून बना है, तो ये इनका गलत फ़ायदा उठा लेती है कभी कभी लड़कियाँ लोग, यही चीज़ मेरे को मतलब वो नहीं आती भाई। वो इंडियन क्रिकेटर है यार, और देश का नाम रोशन करता है, विदेशों में जाके इंडियन के लिए खेलता है, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो आप क्या हो? जब अच्छा नहीं करते हो देश के लिए, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो देश के लिए जो अच्छा कर रहा हो उसकी बेइज्जती तो मत करो, आपके अंदर थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है, मतलब इंडियन क्रिकेटर के लिए, भारतीय क्रिकेटर है वो, अपने दम पे गया है, उसको अगर ऐसी हरकतें करनी होती तो आज वो इस मुकाम पे नहीं होता जिस मुकाम पे वो इंडियन क्रिकेटर बन के बैठा है, वो भी आज कहीं आवारा गर्दी करता होता है। इतनी बुद्धि नहीं है इन लोगों की, बस अपनी पब्लिकली स्टंट करानी है, अपने आपको नाम जाहिर लाना है वो। और ये क्या कह रहा था कि इसका जो दोस्त है उसका शकल नहीं दिखाया, मतलब फेस, उसने मतलब ऐसे बोल रहा था कि इसने और इसके दोस्तों ने हमें मारा है, और तू मतलब तू रुक जा, वो बताता हूँ तेरे को, ये वो वार्निंग दे रहे थे ऐसा कुछ। तो भैया इन लोगों को मैं क्या बताऊँ, ये धीरे धीरे जो साजिश इनकी चल रही है ना, तो मेरे को तो बहुत ही चूतिया हरकतें लगी हैं मेरे हिसाब से। तो भैया ये लोग मैं क्या ही कह दूं, हालांकि हाँ, वैसे भी अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो तो पता चल ही जाएगा, पता चला है, मतलब खबर से पता चला कि सुहानी गिल मतलब ये जो सपना गिल है, तो इसके खिलाफ वो रिपोर्ट भी हो गई, मतलब पुलिस मुकदमा दायर कर लिया गया है, क्योंकि भाई पुलिस को भी पता है कि देश का सम्मान है वो इंडियन क्रिकेटर, तो इस पे जांच पड़ताल चल रही है, और मेरे हिसाब से सपना गिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार भी कर लिया गया। सपना साहब ने मतलब उसमें जो उनका एम था उस पर भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठा लिया है, अब वो उनको भी पता है कि भाई मेरे को 10 साल की सज़ा तो हो नहीं जाएगी, उनको भी पता कि एक महीने भी क्या, एक हफ्ते के अंदर बेल वोल करवा के बाहर निकल आएंगी, और इसी चीज़ को लेकर उनकी चर्चा बन चुकी है, तो ऑलरेडी उनका पब्लिकली स्टंट हो चुका है, मतलब वो अपने जो सोच थी उनकी उस पर खरी उतर चुकी है, तो मतलब उनका फ़ायदा हो चुका है, और यही, लेकिन हालांकि हमारे हिसाब से तो गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गंदी हरकत है, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कह दूँ, बहुत ही अजीब निकलता है मुझसे। ओके सर।